बाबा अष्टदेव तो वही बनेंगे ना जो बेगर से प्रिंस, माना बाप के जैसा पार्ट बजाएंगे। जरूर, पहले फुल बेगर तब फुल प्रिंस। अगर फुल बेगर नहीं बने हैं, तन पूरा अर्पण नहीं किया है, मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। है नहीं, नाक छोड़ दिया, हम नाक अर्पण नहीं करेंगे क्या? ना, हम ये आंख अर्पण नहीं करेंगे, हम ये कान अर्पण नहीं करेंगे, नहीं, पूरा शरीर, शरीर के सारे ही अंग अर्पण करने पड़े। तो कहेंगे समर्पण शरीर से, तन से, धन भी 100 रुपया बचा लिया। बहुत सी सरेंडर ऐसी होती है, 1000-2000 अपनी कोख में दबा लिए, सरेंडर पत्र भी बन गया, किसी को पता ही नहीं इनकी जेब में पैसा पड़े हुए। तो धन से फुल सरेंडर है, कहेंगे फुल सरेंडर नहीं। ढोल पिट गया समाज में कि फुल सरेंडर हो गए, लेकिन समाज को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया या सच्चाई से चले धोखा दिया। ऐसे ही मन, मन के जो भी संकल्प हैं, संकल्प मात्र भी कहीं विरोधाभास नहीं, कहीं कुछ आ भी जाता है तो तुरंत अर्पण, मेरे मन में ये संकल्प आया विरोधी, तो कहेंगे मन से पूरा सरेंडर, वो मन मना भी जल्दी हो जाएंगे। जो बाप का संकल्प तो उनका भी संपूर्ण संकल्प साबित होगा। संबंधी होते हैं ना, बच्चा होता है, बच्ची होती है, पत्नी होती है, और घर वाले चाचा नाना काका ताऊ होते हैं, उनकी शक्ति होती है कि नहीं है? किसी का चाचा ऊंची पोस्ट पर है और वो ऊंची पोस्ट है, बहुत ताकतवर है। जिसका चाचा है उससे आकर किसी ने मदद मांगी कि हमें उस ऊंची पोस्ट से थोड़ी सिफारिश करवा दो, वो सिफारिश करवाने के लिए बोलता है चाचा से, वो सिफारिश कर देता है। तो संबंधी की भी शक्ति हुई कि नहीं? संबंधों की शक्ति नहीं होती है? होती है। तो जो भी संबंध है उनकी जो भी शक्ति है हमारे पास, वो सारी शक्ति हम अपने लिए यूज न करें, कहाँ यूज कर दें? शिव बाबा के कार्य में, शिव बाबा की सेवा में यूज कर दें, वो है संबंधों की शक्ति, संपर्क की शक्ति। आज ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बगल में बैठा हुआ साथी मिल गया, लंबा सफर है, बातचीत होती रही, एक दूसरे से प्रभावित भी हो गए, फिर अलग अलग हो गए, सालों नहीं मिले लेकिन स्मृति बुद्धि में कायम रही, तो संपर्क ही हुए कि नहीं? उन्हें संबंधी कहेंगे या संपर्क ही कहेंगे? संपर्क हल्का होता है, थोड़े समय का, और संबंध गहरा होता है, ज्यादा समय का होता है। तो वो संपर्क की शक्ति भी कहां लगा दें? ईश्वरीय सेवा में लगा दें। समय, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू तन की है, धन की है या समय की है? लोग धन दे देंगे लेकिन समय नहीं देंगे, माने धन की उतनी वैल्यू नहीं है, समय की वैल्यू है। तो जो समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है, संगम युग, वो भी 5 युगों में सबसे श्रेष्ठ युग, कितना वैल्यूबल समय, वो समय की शक्ति भी हम कहाँ लगा दे? ईश्वरीय सेवा में लगा दे, तब कहेंगे संपूर्ण समर्पण।